समाचार रुक करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर यमुना प्राधिकरण में एक अहम बैठक हुई। डीजीसीए की अध्यक्षता में एयरपोर्ट से जुड़े सभी विभागों के प्रतिनिधियों की इस बैठक में भाग लिया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कमर्शियल उड़ानों के परीक्षण की तारीख 30 नवम्बर तय हो गई है। 17 अप्रैल को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट को लेकर डीजीसीए की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि 30 नवंबर को कमर्शियल उड़ानों का परीक्षण किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अकासा और इंडिको जैसी एयरलाइंस भाग लेंगी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि एयरपोर्ट पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 दोनों लैंडिंग सिस्टम स्थापित कर दिए गए हैं और डीजीसीए ने इनका निरीक्षण भी कर लिया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आज हमको एक पत्र पहले भेजा था, एक सप्ताह पहले, कि फ्लाइट शेड्यूलिंग के लिए और जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं उनके लिए डेट फाइनल कर लिया जाए। तो उसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे, यापल के लोग थे, इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे और डीजीसीए के लोग थे। ये बैठक हमने आज दिन में की, तो उसमें बहुत सारे जो है पॉइंट्स, उन माइलस्टोन्स के हिसाब से अब हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें माइलस्टोन तय किए हैं। जैसे अभी कैट 1 और कैट 3 दोनों इंस्टॉल कर दिया गया है, डीजीसीए ने उसका इंस्पेक्शन कर लिया है और जो बाकी कैलिब्रेशन है, आईएलएस का कैलिब्रेशन है, वो 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक डीजीसीए के लोग करेंगे। उसके बाद दोनों रनवेज की रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक दी जाएगी। उसके बाद कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट 15 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद जो फ्लाइट प्रोसीजर्स है और डीजीसीए को सबमिशन होगा 15 नवंबर को होगा। फ्लाइट ट्रायल जो है बाई डीजीसीए 25/11 को होगा और कमर्शियल फ्लाइट का फ्लाइट ट्रायल जो है 30 नवंबर को होगा। इस फ्लाइट ट्रायल में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अपने जहाज इंडिगो और आकाशा पार्टिसिपेट करेंगे और कमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल जो है 30 नवंबर को होना तय हुआ है। हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 1 ही दिन में ये तीनों हो जाएं।